सो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं होममेड सैनिटाइज़र। होममेड सैनिटाइज़र में हम एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस का एक रामबाण इलाज है अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग पर रखना और सैनिटाइज़, हैंड वॉश बार बार करते रहना। तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल की लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि अगर आपके घर में एलोवेरा का पेड़ है तो आप उसकी लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मार्केट से एलोवेरा जेल जो आपके घरों में अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकते हैं, वो पतंजलि या किसी भी ब्रांड का हो सकता है। यहाँ पे मैं 2 से 3 एलोवेरा की लीव्स को कट कर रही हूँ। एलोवेरा के बेनिफिट्स आपको पता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जो आपके सैनिटाइज़र में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ 3 से 4 लीव्स जो ली हैं उनको मैं प्रॉपरली 2 पार्ट्स में कट करूँगी। उससे पहले आप इसके किनारे के पोर्शंस को कट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके साइड के पूरे जो आपके कांटे टाइप का मटेरियल होता है उसको आप कट करिए एंड इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। इट्स वेरी इजी, आप नाइफ या स्पून किसी की भी हेल्प से इसके पूरे के पूरे एलोवेरा जेल को एक बाउल में या प्लेट में इसको ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप इस सारी लीव्स को इस तरीके से कट कर लीजिए। एलोवेरा जेल के बारे में हम सभी को पता है कि ये स्किन हो, बैक्टीरियल पार्ट हो, कट हो, बर्न हो, इन सभी जगहों पे ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है विदाउट एनी मेडिसिंस। सो आप इसको स्किन में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इस पूरे जेल को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे फॉर स्मूथ पेस्ट, बिकॉज ये काफ़ी जेली फॉर्म में होता है। एक ग्राइंडर लीजिए, आप उसके अंदर ये एलोवेरा जेल को डाल दीजिए। आप इस देख सकते हैं कि इसका काफ़ी लिक्विड बेस बन चुका है, जो आपको अल्कोहल के साथ मिक्स करने में काफ़ी इजी पड़ेगा। इसको आप एक बाउल में एम्प्टी कर लीजिए। नाउ अब यहाँ पे हम अल्कोहल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर स्पिरिट। डॉक्टर स्पिरिट यानी कि ये रबिंग अल्कोहल है जो जनरली डॉक्टर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। कट, बर्न, कोई भी इंजेक्शन आपको लगता है उससे पहले जो स्पिरिट यूज़ किया जाता है, ये स्पिरिट आपके बैक्टीरिया को आपकी स्किन से रिमूव करता है। तो ये काफ़ी मेजर रूप में आपको फ़ायदेमंद है। और सैनिटाइज़र में 60 to 70% एल्कोहल होना मस्ट है, जो मेजरली अफेक्ट करेगा आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए। अब आप एक बाउल में दोनों को मिक्स कर लीजिए प्रॉपरली। 70% अल्कोहल है इसके अंदर, आप करीबन इस बॉटल में से हाफ बॉटल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही लो कॉस्ट पे बनने वाला सैनिटाइज़र है आपके लिए, आप घर पे ज़रूर इसको बना लीजिए, क्योंकि इस एक बॉटल की कॉस्ट है लगभग 60 to 68 रुपीज़, और इस पे आप 2 से 3 बार आराम से सैनिटाइज़र बना सकते हैं। आज के डेट में मार्केट में सैनिटाइज़र की कॉस्ट और ज़्यादा जंप कर चुकी है, अगर आप बना बनाया मार्केट बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो। आप इसको एक अच्छे से बाउल में मिक्स कर लीजिए दोनों को प्रॉपर क्वांटिटी में। अब आप एक एम्प्टी बॉटल ले सकते हैं जो आपके होम में स्प्रे का काम करता हो, यानी गोलन की बॉटल होती है जो आप जनरली ग्लास क्लीन करने में यूज़ करते हैं। ऐसी कोई भी एम्प्टी बॉटल जो क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें स्प्रे आप बिल्डअप कर सके। आप परफ्यूम की बॉटल को भी ले सकते हैं। अब आप इस मिक्सचर को इस बॉटल में डाल दीजिए एंड प्रॉपर तरीके से इसके नॉब को क्लोज करिए और अच्छे से इसको शेक करके रख लीजिए। ये आपका बहुत ही इजी एंड सस्ता टिकाऊ सैनिटाइज़र एंड 100% प्योर, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये 100% वर्क करेगा। कॉस्ट इसकी कुछ भी नहीं, मैक्स टू मैक्स 20 to 25 रुपीज़ कॉस्ट इसकी जाएगी, बिकॉज आप हाफ से 1/4 कम से कम अल्कोहल यूज़ किया है आपने इस बॉटल का, जिसकी कॉस्ट 68 रुपीज़ है। सो आप एक रफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट्स गुड, इस सैनिटाइज़र को आप किसी भी चीज़ पे स्प्रे करके इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आपका सैनिटाइज़र बन गया।